वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडनेस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस चैनल पे फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जिसके तहत दो प्रैक्टिस सेट का आ चुका है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आज उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए प्रैक्टिस सेट की जगह प्रीवियस क्वेश्चन को लाया जा रहा है। देखिए, आपके सामने है बीएसएससी सेकेंड सीजीएलपीटी एग्जाम, जो कि 23 फरवरी 2015 को हुआ था। इसके 150 क्वेश्चन को आज यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आपको क्या करना है कि जितने भी करंट के क्वेश्चन है उसको छोड़ने के बाद बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को बनाइएगा और फिर वीडियो में दिखाए गए आंसर से अपने उसको मैच कीजिएगा। देखिए, उस समय जो पीटी में सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए, करीब 106 या 107 क्वेश्चन था। इतना सॉल्व करने पर पीटी के लिए जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था। आप कितना असेसमेंट कर पाते हैं अपना स्कोर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो किसी को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर इसको लाइक शेयर भी जरूर करें, क्योंकि यही आज के सेट का पहला प्रश्न। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई थी, कौन थे उस समय का करंट था, इसको देख लीजिए। वो एक नोबेल पुरस्कार साहित्यकार थे, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर दो, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता, सेरेना विलियम्स, मारिया बार्तोली, वीनस विलियम्स या पेत्रा क्वेत्वा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पेत्रा क्वेत्वा, वो उस समय का करंट था। और वर्ष 2019 में जिन्होंने जीता है वो है सिमोना हेलेप्स ने जीता है, ठीक है ना। विंबलडन 2019 की महिला एकल विजेता सिमोना हेलेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। देखिए, यहाँ पे देश और उसकी राजधानी की बात की जा रही है, तो ए बी सी तीनों सही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका वाला ऑप्शन गलत है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं होगी बल्कि प्रिटोरिया होगी। मैंने आपको कहा है कि आप बनाने से पहले वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा, फिर अपने आंसर को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चार, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, आर के नारायण, आर के सिंह, आर के लक्ष्मण या राज कपूर। तो बहुत फेमस है आर के नारायण, इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, दामोदर, बड़ाकर, हुगली या महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है, गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो आपको पता है कि सर्वाधिक फसल जब भारत की बात की जाए, विश्व की बात की जाए, तो उसमें धान का प्रथम स्थान आएगा, उसके बाद गेहूँ का, तो इसमें होगा धान, यानी कि 6 का बी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सात, दिनार किस देश की मुद्रा है, चीन, इराक, ईरान या इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इराक। क्वेश्चन नंबर आठ, मालगुडीज डे की रचनाकार कौन है, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या मुकुल केशवन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर के नारायण। देखिए, पुस्तक और लेखक से लगातार बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो इस सेक्शन को भी आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल कहा जाता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको केएनटीपीसी कहा जाता है, और कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है महारत्न कंपनी नहीं है, बाकी तीनों महारत्न कंपनी है। क्वेश्चन संख्या दस, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या सुंदरवन। तो इसको जाना जाता है सुंदरवन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है किस सरकार के द्वारा, पंजाब के द्वारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सही सी। 12, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20-30 नवंबर 2014 को कहाँ आयोजित किया गया था, उस समय का करंट है। लेकिन देखिए, ये अब एक ट्रेंड बन गया है कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है हमेशा गोवा में ही आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 13, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास या चाणक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो बर्मा को क्या बोला जाता है अभी वर्तमान में, म्यांमार भी बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में त्रुटि है, ब्रिटिश भारत की बात की जा रही है, तो बर्मा ब्रिटिश भारत से 1937 में अलग हुआ था, जबकि बर्मा ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कब अलग हुआ था, वो हुआ था 1948 में। तो इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1937 नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिए 1937, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1911, 1914 या 1916? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1916, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा लीजिएगा कि पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है कितना? जीडीपी का 2.5%, 5%, 9% या 7%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस समय के आधार पे ए 2.5%, लेकिन वर्तमान में अभी का जो जीडीपी का रक्षा बजट है खर्च वो 1.5% के आसपास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? 1962, 67, 71 या 1975? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1975, और ये जो हुआ था 36वां संविधान संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1947, 49, 48 या 50? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1950। संख्या 20, आपके सामने एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें इसका अगला टर्म देखना है। प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या क्या गया है कि प्रत्येक संख्या को क्रमवार 1, 2, 3 से गुना करने के बाद उसी संख्या को उसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि 1 × 1 + 1 कर दिया गया है कि नहीं, 1 × 1, और फिर आप क्या करना है कि 2 है अगला, तो 2 × 2 + 2 जोड़ देना है। अब क्या करना है कि 6 है, तो 6 × किससे गुना करना है, क्रमवार 1, 2, 3 से गुना कर जाना है, 1, 2, अब यहाँ 3 गुना कर दीजिए और फिर उसी संख्या को जोड़ दीजिए, तो 6 × 3 = 6 + 6 बराबर कितना, 6 × 3 = 18 + 6 = 24 हो जाएगा। अब इसी आधार पे जब हम 24 को गुना करेंगे और 120 को गुना करेंगे तो 120 वाला जो क्रम आ जाएगा वो आ जाएगा 120 × देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, और प्लस 120 करना है तो ये क्या हो जाएगा 600 और प्लस 120 यानी कि 720, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 20 का C 720। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है, ऑप्शन देख लीजिए, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी या अरुणा सपल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। और ये जो बनी थी किस कांग्रेस के अधिवेशन में, तो 1917 के अधिवेशन में बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो 1925 के अधिवेशन में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है? प्रश्न संख्या 22 में आरोही क्रम हम लोग को चुनना है, तो इसमें हम लोग को सीधा क्या करना है कि सबको भाग देके देखना है, और भाग देखने के बाद हमको पता चलेगा कि किसका वैल्यू कितना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, 5/7 का वैल्यू सबसे कम, उसके बाद 9/11 का, और उसके बाद 7/11 का आएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 में इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा और 5/6 से कम है? देखिए 3/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 का मतलब हो जाता है 0.75, और 5/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0.83 आ जाएगा। अब इस दोनों के बीच में हमको निकालना है तो क्या होगा कि 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। 2/3 कितना हो जाएगा, 0.66, ये भी होगा ही नहीं। और 9/10 यानी कि 0.9 हो जाएगा, वो एक्सीड कर जाएगा 0.83 से, तो इसका सीधा सा वैल्यू होगा सी होगा 4/5 हो जाएगा, जिसका कि वैल्यू 0.8 होता है, तो यानी कि 23 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? तो सीधे सी बात है, इसको 80 से 120/100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा 96 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 675 से गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सारी संख्या को गुना करके देखना पड़ेगा। जब हम 675 को 5 से गुना कर देंगे, 675 को 5 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3375, और 3375 जो है 15 का क्यू है, तो हमारा पूर्णखंड बन जाएगा, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? क्रमागत संख्या की बात कर रहे हैं तो x + x + 1 और + x + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है कि इसका वैल्यू 15 है, तो इसको अब सॉल्व हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
और फिर चार के बाद क्रमागत है, तो 4 × 5 × 6 यानी कि सबको गुना करेंगे, 4 × 5 × 6 4×5 = 20 और 20 × 120 है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा। 127, एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी बैन में चढ़ाए गए, अंतर प्रत्येक 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्से का औसत भार 95 केजी हो गया, तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में से प्रत्येक का भार कितना था। तो ऐसा हम मान लेंगे तो इसके लिए हम लोग को इक्वेशन सेट करना पड़ेगा, यानी कि पहले हमारे पास कितना था, 50 × x हो जाएगा, 50 × x हो जाएगा और प्लस कितना है 105 × 5, ठीक है, और कितना हो रहा है बाद में, तो 55 का कितना हो जा रहा है 95, ये हमारा हो जाएगा 50 × x प्लस 105 × 5 बराबर 55 × 95। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का हमारा वैल्यू 94 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बी 94। क्वेश्चन संख्या 28, दो क्रमागत संख्याओं का औसत 7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, वे संख्याएं क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शंस, देखिए ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है सबका जो औसत हो रहा है 7.5 ही हो रहा है, तो हम लोग को देखना है कि किसका गुणनफल 36 होगा, क्योंकि 36 का ही वर्गमूल हमारा 6 आता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए सीधे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 × 3 = 36, तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29, 75 = 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित हो, ठीक है ना। तो इसके लिए करेंगे पहले 75 = 70 को 65 से भाग देंगे, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा शेषफल का और 65 का उसको जोड़ देंगे 75 = 70 में। इस एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% क्या होगा। तो संख्या हम यदि x मान लेते हैं तो उसका 51% कितना आ रहा है हमारा 714 आ रहा है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 1400 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 39% कितना होगा, तो यानी कि 1400 का 39% फिर से हमको निकालना है, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आ जाएगा उत्तर 546, यानी कि 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी। सेट का औसत बताएं, तो सीधा सा है, सारे को जोड़ना है और उसके बाद हम लोग को भाग दे देना है 31 में, तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 32, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी त्रिगुणी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो इसमें हम करना क्या है, यदि हम संख्या x मान लेते हैं, x में यदि हम 21 जोड़ देते हैं तो वो अपनी त्रिगुणी से कितनी 7 कम हो जाती है, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा 14 हो जाएगा, यानी कि 32 का सही आंसर हो जाएगा ए। 33, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन का, है कि नहीं, तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा 33 का वो आ जाएगा सी। टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच में 10-80 पृष्ठ टाइप करने के लिए कितने टंकों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग को MDH और वर्क इस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है कि एक टंकक को कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, और कितना पन्ना टाइप करने में, एक पन्ना टाइप करने में, और फिर बोल रहा है कि कितने टंकक की जरूरत पड़ेगी यदि वो 1 PM से 2 PM के बीच में, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट का वहाँ पे समय लग रहा है, और कितना पृष्ठ कर रहा है, तो 10-80 वर्क नीचे आता है, ठीक है ना। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही वैल्यू आ जाएगा, एक्स का जो सही वैल्यू आ जाएगा 34 में, वो आ जाएगा हमारा 72, यानी कि 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 35, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना से विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है। देखिए पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं, 35-18 का डिफरेंस 17, 45-28 का भी डिफरेंस 17 और 55-38 का भी डिफरेंस 17। तो क्या करेंगे कि पहले हम लोग 35, 45 और 55 का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें से 17 को घटा देंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 34-48, यानी कि 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। संख्या 36, कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों के में दिए जाते हैं, प्रत्येक लड़के को 5 और लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यदि हम लड़का x मान लेते हैं तो लड़की कितना हो जाएगा 50 - x हो जाएगा। अब लड़का को 5 दिया जा रहा है और लड़की को कितना दिया जा रहा है 7 दिया जा रहा है, और टोटल नारंगी कितना है 280 है, यानी कि 5x + 50 - x × 7 = 280। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब x किसका वैल्यू है तो लड़का का है, इसीलिए लड़की क्या हो जाएगा 50 - 35 = 15, तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 37, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी हमको पहले यदि हम पुरुष x मान लेंगे तो स्त्री कितना हो जाएगा हमारा, पुरुष x मानेंगे तो स्त्री हो जाएगा 10,000 - x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि बढ़ रहा है जनसंख्या, तो x में कितना बढ़ रहा है, x में बढ़ रहा है 8%, यानी कि 108/100 ये पुरुष का हो गया, और स्त्री का कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है। तो स्त्री कैसे माने थे हम लोग को,
15000 माइनस एक्स माने थे, ठीक है ना, 15000 माइनस एक्स माने थे इस तरीके का, तो इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 110% यानी 10% बढ़ा है, 110/100, और टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है हमारा 16300। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 10000 आ जाएगा, यानी कि x मेल माने थे तो फीमेल कितना हो जाएगा, 15000 माइनस 10000 यानी कि 5000, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी 37 का। प्रश्न संख्या 38, एक वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 हो जाता है, तदनुसार 5 वर्ष में उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपये बढ़कर कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5000 से 5700 यानी कि 700 हो रहा है ब्याज। इसको हम लोग साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर सेट करेंगे, तो मूलधन कितना है 5000 है और एक वर्ष के लिए है, आर निकालना है हमको यहाँ पे, तो आर का वैल्यू हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू हमारा 14% आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर 14% दर से हमको 7000 पे निकालना है, कितना के लिए, तो 5 वर्ष के लिए, तो उसके लिए हम लोग को फार्मूला सेट कर देना है 7000 × 5 × 14 यानी कि PRT पर बट्टा 100 बराबर कितना हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा 4900 इसका ब्याज आ जाएगा। अब इसको मिश्रधन हमको देखना है, तो 4900 और प्लस 7000 दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 11900 यानी कि 38 का सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता 14.4 लीटर और 6 लीटर है, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि अर्ध गोलाकार का जो धारिता होता है फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, तो r1 का क्यू और फिर 2/3 πr² का क्यू, है ना, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि r1/r² का क्यू हमको कितना हो जाएगा, r1 का क्यू और r2 का क्यू हमारे पास आ रहा है 6.4/21.6 कट गया, यानी कि हमको दोनों का रूट क्यूब निकालना है, तो 64 किसका रूट क्यूब हो जाएगा 4 का, और 216 किसका रूट क्यूब हो जाएगा, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, 2/3 अनुपात निकल गया, यानी कि 39 का जो आंसर निकल जाएगा वो डी निकल जाएगा। 40, एक नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी 6 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों नल ए भी खोल दिया जाए, 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी टंकी को कितना देर में भर सकता है, तो सीधा सा है 1/8 और 1/6 कितना देर तक चले हैं, 2 घंटा तक चले हैं, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 60/12, यानी कि दोनों 2 घंटा में 60/12 भाग भरते हैं, तो शेष कितना हमारा बच जाएगा, शेष जो होगा शेष एक में से घटा लेंगे 60/12 को, तो शेष हमारा हो जाएगा 5/12 भाग, यानी कि 5/12 भाग को बी को कितना दिन में भरना पड़ेगा, तो सीधा सा है बी कितना देर काम करता है, उसकी क्षमता कितनी है, तो 6 घंटा की क्षमता है, तो 5/12 × 6 कर देंगे, 6 × 5 = 12, यानी कि 5/2 घंटा, यानी कि इसको 5/2 घंटा मतलब 2.5 घंटा, तो बी शेष काम को 2.5 घंटा में पूरा कर देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। प्रश्न संख्या 41, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे 2, 6, 8, 12 इन सब का, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 120 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड का कहने का मतलब हो गया 60 से भाग देंगे तो 2 मिनट, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट हो जाएगा। अब क्या है कि वो 2 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और हमारे पास कितना मिनट है, तो 30 मिनट है, तो 30/2 + 1 यानी कि 15 + 1 = 16, 12 एक साथ बजेंगे। 42, एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है, तदनुसार उसके बिक्री मूल्य के लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हम पहले क्रय मूल्य यदि 100 मान लें, इसका क्रय मूल्य 100 मान लें, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10% बढ़ाकर, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा 110 रुपया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उस पर वो 10% छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 110 का, 11 रुपया, यानी कि 110 - 11 करेंगे तो 99 रुपया में वो बेचता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपया में खरीदा है और 99 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 1% का हानि हो रहा है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर हो जाएगा हानि, बाकी तीनों में लाभ है, तो यहाँ पे हानि हो जाएगा, यानी कि 42 का। संख्या 43, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री से 3 गुनी अधिक है, इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। तो सबसे पहले हम लोग को पुत्री का मान लेते हैं, डॉटर मान लेते हैं x/3, तो मदर कितना हो जाएगा, पुत्री की 3 गुनी यानी कि x हो जाएगी, और पिता क्या हो जाएगा, फादर बराबर हो जाएगा माँ से 7 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पुत्री की उम्र 10 वर्ष, यानी कि 3/10 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा 30 निकल गया। अब पिता का वैल्यू निकाल लीजिए तो 30 + 7 = 37 वर्ष निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी, तो वर्तमान में पुत्री 10 वर्ष की है, यानी कि 10 वर्ष पहले पीछे ले जाना पड़ेगा पिता को, तो 37 - 10 = 27, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 का जो आंसर आ जाएगा वो ए हो जाएगा 27। संख्या 44, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने हेतु वो वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लग इसको मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ सहित, लाभ सहित विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा,
लाभ सहित विक्रय मूल्य हो जाएगा 170 रुपया, यानी कि उसको 170 रुपया में चीज़ों को बेचना है। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना अधिक रखें। ठीक है, तो मान लेते कि अंकित मूल्य हमारा एक्स रखा था और उस पर वो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि एक्स का 90/100, और उसको बेचना कितना है 10% लाभ कमाने के लिए, 170 रुपया में बेचना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 130। तो देखिए पहले क्रय मूल्य कितना है 100 है, और उसको कम से कम अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा 130 रखना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ाकर रखना पड़ेगा डिफरेंस, देखिए 100 और 130 यानी कि 30% का डिफरेंस बढ़ाकर उसको रखना पड़ेगा। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 45, ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी 6 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर 7 काम करें तो कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो बहुत आसान है, ए उसको कितना दिन में करता है 4 दिन में, और बी उसको 6 दिन में पूरा करता है। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 2.4/10। इसको यदि काटेंगे तो 2 का 2 4 5 का 5 10, यानी कि 2.2/5 का सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, 55 kg एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात सांद्रता अनुपात 4 है, अनुपात को 7.6 करने के लिए जल की क्या मात्रा मिलानी होगी। तो देखिए इसको बढ़ाने का शॉर्ट तरीका भी यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले अनुपात क्या है 7:4 है, ठीक है ना, और बाद में कितना बढ़ के हो रहा है 7:6, यानी कि दूध का मात्रा में कोई परिवर्तन हो रहा है। कहाँ बदल रहा है तो पानी की मात्रा में, 4 था अब 6 है, कितना यूनिट बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो 2 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो शुरुआत में देखिए 7:4 यानी कि 7 4 11 के रिस्पेक्ट में 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो इसको आप सीधे सॉल्व कर लीजिए, 55 × 2/11 यानी कि 5 × 5 = 10, यानी कि पानी को 10 kg बढ़ाना पड़ेगा। ये शॉर्टेस्ट मेथड है। % की हानि पर बेची, यदि वो कलम को 12 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। तो 47 को बनाने के लिए सीधा हम लोग को पहले फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य यदि हम लोग एक्स मान लेते हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसको 20% हानि पर बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा एक्स का 80/100। ठीक है, यानी कि 4x/5 निकलेगा, 4x/5। अब इसको इक्वेशन पर सेट कीजिए, इक्वेशन हमारा क्या होगा कि यदि वो कलम को 12 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ कमाता, तो यानी कि 4x+5 ये 12 जोड़ दीजिए तो कितना लाभ कमाएगा वो 10% अधिक, यानी कि 110/100। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 60। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। संख्या 48, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, ठीक है ना, तो 5 वर्ष पहले 4 लड़का का उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 9 × 36। उसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5ों की वर्तमान आयु, वर्तमान में 5ों का उम्र का कितना हो जाएगा 5 का, 15 × 5 75 वर्ष हो जाएगा। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान उम्र क्या होगी, जो वर्तमान में 5 लड़कों का उम्र हो गया और वर्तमान में 4 लड़का का उम्र क्या हो जाएगा। तो ये था आपको 5 वर्ष पहले, तो 5 × 20 इसमें 20 जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 6 × 3 = 5 56 हो जाएगा। अब डिफरेंस देख लीजिए, 75 महीने से 56 घटा दीजिएगा तो 19 वर्ष, यानी कि नया लड़का जो आ गया वो कितना आ गया 19 वर्ष का आ गया। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 49, सोम मंगल बुध का औसत 30 डिग्री है, मंगल बुध और गुरु का औसत 33 डिग्री है, तदनुसार सोमवार का तापमान 32 डिग्री था तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। बोल रहा है सोम मंगल और बुध का औसत कितना हो जाएगा, इसका तीनों का योग कितना हो जाएगा, औसत 30 बता रहे तो 90 हो जाएगा इसका, और बोल रहा है मंगल बुध और बृहस्पति का कितना बोल रहा है 33 था, तो तीनों का कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा योग। अब बोल रहा है उसी दिन इस सोम का 32 डिग्री बता रहा है, तो मंगल और बुध का कितना हो जाएगा 90 - 32 = कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, अब 58 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो थर्सडे यानी कि गुरुवार का निकल जाएगा, 99 - 58 निकाल देंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, ये 41 डिग्री हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का सी होगा, यहाँ पे 31 के जगह पे 41 डिग्री होगा, ये आंसर उसका त्रुटि थी। क्वेश्चन संख्या 50, एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल जाती है, वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आ जाती है, पूरी यात्रा में कार का औसत चाल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जाने में जो समय लगेगा वो, और फिर आने में जो समय लगेगा वो निकालने के बाद कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी 2x हो जाएगा और कुल समय जितना होगा, कुल समय का वैल्यू 20 + 30। ठीक है, इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सही उत्तर जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, यानी कि औसत चाल जो इसका लगा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा लगा है। रीजनिंग पर आ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 51,
देखिए यहाँ पे 17 में 9 से गुना करेंगे तो 153 हो जाएगा, इसी आधार पे 24 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 52 में देखिए एक एक की वृद्धि हो रही है, ए से बी हो रहा है, एफ से जी हो रहा है, तो इसी आधार पे सी से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आई एस से आई, एम से एन और आर से एस हो जाएगा, तो 52 का ए हो जाएगा। 53 में देखिए कि 23 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसी आधार पर 54 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 24 समाचार पत्र को क्या किया जाता है, पाठक द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसी आधार पर रोटी को क्या किया जाएगा उपभोग किया जाएगा उपभोक्ता के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फ्लावर को देखिए उलट दिया गया है तो इसी आधार पर हम लोग फ्रूट को उलट देंगे तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है कि एक एक घटा करके लिखा जा रहा है, 6 से 5, 4 से 3, 1 से 0 और 5 से 4, तो इसी आधार पर 7 से 6, 8 से 7, 9 से 8 और 6 से 5 हो जाएगा, यानी कि 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 57 से 62 तक हम लोगों को और चूज करना है, तो यहाँ पे देखिए मून है, सैटेलाइट है, अर्थ है और एस्ट्रॉयड है, तो यहाँ पे देखिए मून, अर्थ और एस्ट्रॉयड ये सब क्या होगा नेचुरल बॉडीज हो गया, लेकिन सैटेलाइट मेन मेड हो जाएगा, तो इसी तरह पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 58, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग या आगरा, तो देखिए शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग ये सब क्या हो गया पहाड़ी क्षेत्र हो गया, लेकिन आगरा क्या हो गया एक नॉर्मल क्षेत्र है, तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 59, बछड़ा, मुर्गी, मेमना या शावक, खरगोश का शावक, तो यहाँ पे ये सब इसका बेबी वन हो गया, लेकिन मुर्गा जो है मुर्गी जो है बेबी वन नहीं हुआ, तो इस आधार पे 59 का सही आंसर हो जाएगा बी। संख्या 60, यहाँ पे हम लोग को और चुनना है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 14, 15 और 16 को आपस में गुणा करके उसी को जोड़ दिया गया है कि नहीं, जैसे 16 गुणे 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 272, बाकी ये 18 का नहीं है तो ये ऑड हो जाएगा, 14, 15, 16 को आपस में गुणा करके उसको ही खुद में जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे देखिए कि ए में क्या हो रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर चल रहा है, बाकी तीनों में क्या हो रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो ए हमारा ऑड हो जाएगा 61 का। 62, डिस्ट्रेस, सोरो, फैंटेसी या डिस्टिंग्विश, देखिए ये सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन ऑप्शन सी को छोड़ के शोक की स्थिति है, बाकी फैंटेसी एक अलग तरह का विचार है, तो 62 का हो जाएगा सी। संख्या 63 में देखिए कि कूट भाषा में मदर को इतना लिखा जाता है, जनित को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो सेम चीज़ यहाँ सब कोड लेके चूज कर देना है, तो इसका आ जाएगा 63 का आ जाएगा सी आ जाएगा। संख्या 64 कि डेमोक्रेसी को उलट के ऐसा लिखा जाता है तो प्रेसिडेंट को क्या होगा, तो इसको भी हम लोग उलट देंगे तो 64 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। संख्या 65, यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है क्रम में, देखिए ए से बी हो रहा है सी और डी हो रहा है, तो डी के बाद क्या हो जाएगा ई, और ई के बाद उधर से देख लीजिए एन ओ पी क्यू क्यू के बाद आर हो जाएगा, तो ई के और आर हो जाएगा, यानी कि 65 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 66, यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए 2 का q - 1 किया गया है, फिर 3 का q - 2 किया गया है, 4 का q - 3 किया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 का q - 4 किया गया है, तो यहाँ पे 6 का q - 5 करेंगे, तो 6 का q - 5 करेंगे, यानी कि 216 - 5 करेंगे तो 211, यानी कि 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। 67 में देखिए कि यहाँ पे सबका क्रम दिया गया है, सी का 3, ई का 5, यानी कि 2 का बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के 11 और एम 13 हो जाएगा, यानी कि 67 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे देखिए कि क्रम बढ़ रहा है हमारा, कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो 2 का स्क्वायर पहले बढ़ा है, 4 बढ़ा है, यानी 4 कितना है 2 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है 9 बढ़ा है, यानी कि वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और फिर क्या कितना बढ़ा है तो 16 बढ़ा है, कितना 4 का स्क्वायर बढ़ा है, अब फिर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 बढ़ जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो 252 हो जाएगा, यानी कि 68 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में इस दोनों को आपस में गुणा किया गया और ये निकाला गया है, तो यहाँ पे देखिए 49 को 7 से गुणा कर देंगे तो 69 में क्या आंसर आ जाएगा हमारा 343 आएगा। संख्या 70, अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिए गए अंग्रेजी के शब्दकोश को क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जो हो जाएगा 70 का वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यदि क्यू का अर्थ योग करना हो, जे का अर्थ गुणा करना हो, डी का अर्थ घटाना हो और के का अर्थ भाग करना हो तो इसका क्या होगा, तो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 73, हम लोग को यहाँ पे एक शब्द दिया गया है मर्चेंडाइज और इसे चूज करना है कि कौन सा शब्द नहीं बनता है, तो इसको चूज कीजिएगा तो ए बी सी तीनों बनेंगे लेकिन डी नहीं बनेगा, डी में क्या है कि 2-2 सी है, सी एच ए एन सी, 2-2 सी हमको चूज करना है लेकिन यहाँ पे 2-2 सी नहीं है, तो इस आधार पे 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 4,
यहाँ पे देखना है कि पी क्यू आर का क्रम कितनी बार ऐसा है कि क्यू अक्षर पी और आर के बीच में है, यानी कि सेम यही टर्म होना चाहिए कि क्यू पी और आर के बीच में रहना चाहिए। तो इसको आप लोग काउंट कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4 बार, यानी कि 74 का आंसर सी हो जाएगा। अब 75 देखिए कि गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मंगलवार या बुधवार। इस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार। 76 दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि वह किस दिशा में भाग रहा है, तो अब ये कौन सा दिशा हो गया, तो पूर्व पश्चिम, इसके अंतर हो जाएगा बी। देखिए जब भी दाईं ओर की बात की जाएगा तो क्लॉकवाइज और बाईं ओर की बात की जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। 77 यहाँ पे कुछ कोर्स दिया गया है, उसके आधार पे हम लोग को स्माइलिंग का कोर्स निकालना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको आप जब निकालिएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 77 का सी आ जाएगा, ठीक है ना। 77 का सी आ जाएगा, स्माइलिंग का आ जाएगा पाई। नंबर 78 यहाँ पे हम लोग को क्रम चुनना है, एक अक्षरों का कौन सा क्रम समूह खाली स्थानों को भरेगा, तो इसका ऑप्शंस जब आप लोग सी भरिएगा तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। संख्या 79 निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, हरा कॉमन लेना है इस दोनों में, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो भूरा हो जाएगा, यानी कि लाल के विपरीत कौन सा आ जाएगा, भूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 यहाँ पे साइन को चेंज करना है, उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 80 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, 28 आ जाएगा, ठीक है। 81 यहाँ पे क्या करना है, देखिए 16 का जो रूट हो जाएगा वो 4 में से 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का रूट क्या हो जाएगा, 3 में से 3 करेंगे 0, 81 का क्या हो जाएगा, 9 में से करेंगे तो 8, इसी तरह 64 का किसका हो जाएगा, 8 की 80 64 8, 8 में से 4 करेंगे तो 4, यानी कि 81 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 82 आशा, आशा को इतना लिखा जाता है, इसमें क्या किया गया है कि आशा है तो प्रत्येक को पलट देना है, ए को जेड कर देना है, एस को एच कर देना है, तो उसी आधार पे उसके बाद पलट करने के बाद उसका जो वैल्यू होगा उसको ऐड कर देना है, तो इसी आधार पे विनय भूषण को हम लोग पलट के और उसको ऐड करेंगे तो 82 का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आ जाएगा, यानी कि 180। प्रश्न संख्या 83 यहाँ पे हमारा कोड दिया गया है डिक्शन का, तो उसी आधार पे डिप का हमको कोड दिया गया है और उसी आधार पे हम लोग को पिकनिक का कोड निकालना है, तो 83 का जो सही आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। संख्या 84 छः व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं 3-3 करके, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, देखिए ई किसी के अंत में नहीं बैठा हुआ है, डी एफ के बाएं और एक छोर कर है, डी जो है डी देखिए एफ के बाएं और, एफ के बाएं और है ये, और क्या बोल रहा है कि सी एवं ई अगल बगल बैठे हैं, सी भी अगल बगल बैठे हैं एवं डी के विकर्णता है, सी जो है डी के विकर्णता है, ये भी सही है। अब बोल रहा है बी एवं एफ अगल बगल बैठे हैं, बी एफ अगल बगल बैठा हुआ है, तदनुसार बी के सामने कौन है, तो बी के सामने सी आ रहा है, आंसर सी हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार चेक कर लीजिए। संख्या 85 यदि किसी कूट भाषा में रेशनल को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे क्या किया गया है आर ए टी, तो आर टी और बीच में गैप है उस वाले को, मतलब कि पहला और तीसरा लिया गया और बीच वाले को बाद में लिखा गया है, तो उसी आधार पर इसको लिखना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 85 का ए हो जाएगा। 86 यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते तथा अनूप के अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध होगा, इसको जब हम लोग संबंध स्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा परदादा, ठीक है ना। 87 यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें हम लोग को पूछ रहा है इसमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, भारतीय और नेता हो परंतु गायक नहीं हो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सिर्फ 2 दिखाता है, यानी कि 87 का ए हो जाएगा। 88 यहाँ पे चित्र दिया गया है और उसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करना है, जब इसको आप बारीकी से काउंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 या उससे अधिक हो जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, दोनों को अलग अलग जोड़ देना है, फिर आपस में गुणा करते हैं, जैसे कि 3 और 8 11 और 5 1 6, तो 11 6 66, इसी आधार पर देखिए कि 8 + 2 10 और 4 + 4 8, यानी कि 10 × 8 = 80, तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा सी। संख्या 90 यहाँ पे एक वक्तव्य दिया गया है कि 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। अब बोल रहा है श्री गोपाल हड़ताल पर गए, ये कहना संभव नहीं है कि श्री गोपाल हड़ताल पर गए हैं, कन्फर्म नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, और श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब है वो हड़ताल पर या तो जा सकते हैं या हड़ताल में वो भाग नहीं भी ले सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा डी हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 लागू होता है। प्रश्न संख्या 91 कुछ पक्षी बादल हैं, ठीक है ना, कुछ पक्षी को बर्ड को हमने क्या कर लिया है, क्लाउड बना दिया है। अब बोल रहा है कि घोड़ा एक पक्षी है, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बना, एक सिचुएशन में यहाँ पे हो गया हॉर्स, घोड़ा एक पक्षी है, और दूसरा में हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं हॉर्स को, ठीक है ना, 2 कंडीशन बन रहा है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ बादल पक्षी है,
कुछ बादल पक्षी, क्लाउड बर्ड्स, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, घोड़ा बादल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन एक में हमारा घोड़ा बादल नहीं आ रहा है, यहाँ पर सही बैठता है, लेकिन कंडीशन दो में देखिए कि यहाँ पर हमने हॉर्स को लिया था, कंडीशन दो बनाया था, तो यहाँ पर जो है हॉर्स बादल हो रहा है, यानी कि स्टेटमेंट टू सही नहीं है, यानी कि दोनों जगह ये सही होता तभी सही हो पाता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस आधार पे सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक लागू होता है, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 92, यहाँ पे वेन आरेख है, यहाँ पे शाक भक्षी बाघ और पशु, पशु के अंतर्गत बाघ भी आ जाएंगे और शाक भक्षी भी आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाघ एक शाक भक्षी नहीं है, तो इस आधार पर 92 का आंसर हो जाएगा ए। क्या 93, लाभ लाभांश और बोनस, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देखिए लाभांश और बोनस दोनों में प्रॉफिट स्थिति होती है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा डी, इसका भी आंसर हो जाएगा लाभ के अंतर्गत लाभांश और बोनस हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें। संख्या 94, यहाँ पे हमको एक प्रश्न आकृति दी गई है और इसके आधार पर हम लोग को चूज करना है कि इसको घुमाने के बाद कौन सी आकृति नहीं बनेगी, तो इसको घुमाना है, रोटेट करना है, तो ये आकृति बन जाएगी, ये आकृति और एक ये आकृति भी बन जाएगी, लेकिन आकृति सी नहीं बन पाएगी, तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कि यहाँ पे हमारा एक प्रश्न आकृति दिया गया है और उसका उत्तर आकृति दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो 95 का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 96, यहाँ पे हमारा ये प्रश्न है और इसका उत्तर ढूंढना है कि कौन सा इसका भाग है, कट भाग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिएगा बारी बारी से, 96 का सी हो जाएगा। देखिए ये एक पेपर कटिंग से हो गया 97 में, इसको तीन बार फोल्ड किया गया और फिर बीच से काटा गया, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या 98, MN रेखा दिया गया है और नीचे की आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी, मतलब कि यहाँ पे एक मिरर दिया गया है और उस पर हम लोग को ढूंढना है, तो 98 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 99, यहाँ पे एक प्रश्न आकृति दी गई है और हमको चूज करना है कि ये आकृति उत्तर आकृति में से किसमें निहित है, ठीक है ना, ये आकृति है और उत्तर आकृति नीचे गई है, इसमें किसमें निहित है, तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, देखिए यहाँ पर ये निहित है, ठीक है। या 100, ये 100 का एक प्रश्न है जिसमें कि मैट्रिक्स दिया गया है और रोस्ट ROST रोस्ट के लिए हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर देखिए ABCD है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 100 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। या 101, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है, गाजर, बैंगन, नींबू या चावल, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाजर। 2, भारत में जंगली गधे जिसको कि घोड़े खुर की बात की जाती है निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन, कच्छ के रण, थार मरुभूमि या असम के जंगल, तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस चीज़ का सूचक है, गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम, तो ये संभावना होती है आंधी की। 104, निम्नलिखित में से कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो आपको पता है कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर हैं, ऑप्शन देखिए मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन और काजीरंगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा, काजीरंगा ये बायोस्फीयर नहीं है बल्कि एक नेशनल पार्क है, ठीक है। नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी पोलियो का कारण है, पोलियो किसके कारण होता है, एक कवक के कारण, वायरस के कारण, कृमि के कारण या बैक्टीरिया के कारण, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वायरस के कारण ये होता है। 6, ज्वालामुखी या रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर से है। 107, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है, कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एलिसा, एड्स के लिए होता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, खरगोश, लोमड़ी, भेड़ या बकरी, तो देखिए अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात की जा रही है, तो आपको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी, जबकि यूनिवर्सल डोनर की बात की जाएगा तो ओ बात हो जाएगा। 111, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेप। 112, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यह पारद की सतह पर तैरेगी, लोहे का जो घनत्व होता है वो पारा से कम होता है, ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, लोहा का गेंद पारा पर तैरते रह जाता है। कि 20 हर्टेज से 20,000 हर्टेज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, ये श्रव्य या ऑडियबल, तो ये हो जाएगा श्रव्य, इसको हम लोग श्रव्य बोलते हैं। इंफ्रासोनिक है बिलो 20 हर्टेज हो जाता है और अल्ट्रासोनिक हो जाता है 20 हर्टेज से ऊपर हो जाता है। निम्न तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन आप देख लीजिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा देखिए NPK, तीन नाम है उर्वरक क्षेत्र में, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। दही का खट्टापन किसके कारण होता है, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनमें से कोई नहीं,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 116, डेसीबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश की गति, ऊष्मा की गति, ध्वनि की तीव्रता, यदि तरंगों की बारंबारता, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? आप ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए, ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर जो पाया जाता है वो पाया जाता है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। सीधे इंग्लिश नाम ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 18, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य से, खून जमने से, हड्डियों के विकास, उपरोक्त सभी। तो देखिए, कैल्शियम का काम तीनों के लिए हो जाएगा, हड्डी के विकास के लिए तो होगा ही, खून जमने में भी, कॉन्गुलेशन ब्लड कॉन्गुलेशन में भी काम करता है, और मांसपेशियों के लिए भी काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा बी और सी, और बाकी ए, डी, ई और के ये जल में घुलनशील नहीं होंगे, बल्कि वसा या कार्बनिक अम्ल उसमें ये घुलनशील होंगे। उत्तर हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। 120, पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीना या 4 महीना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महीना, और पंचायती राज आपका बिहार मेंस का सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 121, कॉलम एक्स और कॉलम वाई को मिलान करना है, नदी और उसके उद्गम स्थल को। तो कृष्णा, कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वरम, गोदावरी, गोदावरी हो जाएगा नासिक, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा शांगपो, और नर्मदा कहाँ हो जाएगा? अमरकंठ हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 122, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निम्नता क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3 या 9 गणपूर्ति पूछ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 123, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया या वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, क्योंकि निगरानी समिति का गठन ही किया जाता है कि ग्राम पंचायत के कार्यों को निरीक्षण करने के लिए, तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। कि ग्राम पंचायत से चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक ग्राम पंचायत पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो 124 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, या 100 हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपने पद आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? मतलब कि मुखिया जो रेजिग्नेशन देगा वो किसके नाम से देगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिलाधिकारी या जिला पंचायती राज पदाधिकारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी। प्रश्न संख्या 126, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान बदल विरोध के संबंध रखता है? अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची से कोई नहीं, तो ये रखता है 10वीं अनुसूची, 1985 में आया था, दल विरोधी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने के लिए विधि प्रावधान है, यदि विधान परिषद की बात की जा रही है धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा 14 दिन तक, यदि वो रोक के रखता है या वापस नहीं करता है तो स्वतः ही वो पारित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? 46वां, 42वां, 71वां या 73वां? तो इसको लाया गया था 42वां संविधान संशोधन। 29, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समिति है? तो इसका संबंध हो जाएगा नगर पालिका है। देखिए, पंचायती राज से भी आपको सवाल पूछ दिया गया कई सारा, और नगर पालिका से भी पूछा गया है। 130, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसके भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? सूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9 या अनुसूची 10? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 1, यानी कि भारत राज्य और उसके संघ की जो बात की जाएगी तो वो अनुसूची 1 में की जाएगी। 131, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको सीपीआई बोला जाता है, बहुजन समाज पार्टी? तो उस समय के आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो बहुजन समाज पार्टी था। क्वेश्चन नंबर 132, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मापलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लन, एम ए अंकर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवी मापलंकर। 133, निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वर्तमान में भी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 134,
बिहार लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? राज्यसभा की बिहार में 16 सीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो ये करीब 10 करोड़ 40 लाख के आसपास है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 136, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होती है? एक चौथाई, एक तिहाई, एक बटा पाँच आदि होने चाहिए। विधान परिषद की बात की जा रही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक तिहाई। इसका नियम है कि आपको और विधान मतलब परिषद के सदस्यों की संख्या जो होगा लोअर सदन यानी कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होनी चाहिए, मिनिमम 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और वर्तमान में 6 राज्य हैं ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं, तो विधान परिषद से भी 3 प्रश्न इस सेट में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 137, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? 1/1/2015 की स्थिति में 40, 35, 38 या 39, तो 38 जिले थे। क्वेश्चन नंबर 138, मैकमोहन रेखा भारत चीन में सीमा बनाती है, ड्रोन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा तय करती है? पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या भारत म्यांमार? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्रोन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 139, फीफा कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना या ब्राजील? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील, जबकि 2018 का हुआ था रूस में और 2022 का कतर में, संभावित है। क्वेश्चन नंबर 140, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 141, मंगलयान जो है 5/2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अंकित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश या भारत? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरती। इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 143, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन या कुश्ती? तो साइना नेहवाल का जुड़ाव है बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 144, किरण स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक, रायपुर, कोलकाता या जमशेदपुर? जमशेदपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिजी की राजधानी कौन सी है? सुबा, पोर्ट लुइस, किंगस्टन या पारामा रिबो? सही उत्तर हो जाएगा सुबा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फिजी किस महादेश में अवस्थित है। 46, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृग कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में था। मृग कटिकम का अर्थ होता है छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, छोटी मछली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी की छोटी गाड़ी। 47, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? गबन भी लिखी है, रंगभूमि भी लिखी है, गोदान भी लिखी है, लेकिन गोरा उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो 148 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंह। नंबर 149, वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? सचिन तेंदुलकर और पीवी नरसिंह राव, सचिन तेंदुलकर एन टी रामा राव, सचिन तेंदुलकर प्रोफेसर सीएन राव और सचिन तेंदुलकर नागेश्वर राव? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2013 का जो पुरस्कार मिला था सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर सीएन राव को मिला था। आपको बताना है कि वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, वो 3 व्यक्ति कौन कौन है उनका नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बता रहे थे 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? क्लोरीन, अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनाइट या बोरोन ट्राइक्लोराइड? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट, उसमें रिसाव हुआ था।